कॉमेडी मूवीज किसे पसंद नहीं, पर कॉमेडी के साथ साथ अगर थोड़ा एडल्ट मसाला दिए तो मूवी का एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाता है। इसी को देखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी फिल्म्स जो एडल्ट कॉमेडी मूवीज में फाइनेस्ट है और आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस देंगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट लिस्ट को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है इन ब्रूज। हैरी पॉटर लंदन का एक गुंडा है जो दो आयरिश शेफ्ट केन और रे को एक असाइनमेंट में गड़बड़ हो जाने की वजह से ब्रूज बेल्जियम में कुछ हफ्ते छुपने के लिए सलाह देता है। केन इस काम में पुराना है बट रे को यह पहला असाइनमेंट है। दोनों ब्रूज में स्टे करते हैं जहां केन को ये मेडिकल सिटी से नफरत होने लगती है। वहीं रे की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम क्लोई है। एक अमेरिकन ड्राफ्ट के ऊपर बेस्ड मूवी में काम करने के लिए शूट के दौरान ड्रग्स को बेचती है। रे को उम्मीद होती है कि क्लोई और केन ब्रूज में एक नई लाइफ स्टार्ट करने में जरूर उसकी मदद करेंगे, बट कहानी में ट्विस्ट है। तो आगे की स्टोरी की ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी देख कर ले लो कि मूवी में आगे क्या होता है। नंबर 2 पर है एलन पार्ट्रिज। तो दोस्तों मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि डीजे एलन पार्ट्रिज के रेडियो स्टेशन को एक बिग कंपनी टेक ओवर कर रही होती है। उसी के बीच कुछ ऐसे सिनेरियोस बनते हैं जहां पर एलन का एक कड़ी रीलॉन्च पार्टी के दौरान पार्टी को अटेंड कर रहे सारे लोगों को हॉस्टेज बना लेता है। आगे आप लोग मूवी देख कर जानो कि किस तरह स्कॉटलैंड यार्ड की हेल्प करके एलन किस तरह से लोगों को और अपने रेडियो स्टेशन को बचाता है। नंबर 3 पर है दिस इज द एंड। तो दोस्तों इस मूवी के कैरेक्टर्स के नाम उनके आइडेंटिटी सब कुछ रियल है बट मूवी का प्लॉट इमेजिनरी है। तो मूवी में दिखाया गया है कि एक्टर जेम्स फ्रैंको एक हाउस वार्मिंग पूल पार्टी थ्रो करता है जहां बाकी एक्टर्स भी इन्वाइटेड है, जहां सभी का पार्टी के दौरान एंजॉय करने का मूड है। वही कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और उनको पता चलता है कि लॉस एंजलिस में अपोकैलिप्स आ चुका है और लिमिटेड रिसोर्सेज और बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ उनको जिंदा रहने के लिए रास्ता भी निकालना है। मूवी में किस तरीके की सीरीज ऑफ इवेंट्स है और किस तरीके से मूवी एक फनी अपोकैलिप्टिक मूवी में कन्वर्ट होती है यह आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। नंबर 4 पर है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो दोस्तों स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक लेजी कोर्ट प्रोसेस क्लर्क है डेविल टेंटन नाम का, जिसका अपने ही जैसे एक लेजी डीलर सॉइल से मिलने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, वीट का एक बहुत ही रेयर स्ट्रेन खरीदना जिसका नाम होता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। बट स्टोरी तब काफी फनी मोड़ ले लेती है। डीलर सॉइल माल फूंकते हुए पुलिस ऑफिसर को मर्डर करते देख कर घबरा के स्पॉट से भागते समय अपना रोज स्पॉट पर गिरा देते हैं। अब डेल के पास सॉइल से मिलने का एक और रीजन है कि क्या इस वीट के रेयर होने की वजह से उन दोनों को ढूंढा जा सकता है। जब वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं उनको ये बिलीव होता है कि उनके माल के नशे का धोखा नहीं बल्कि सच में वो माफिया और पुलिस ऑफिसर उनको निपटाने के लिए ढूंढ रहे हैं। मूवी में आगे क्या होता है तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा बट मूवी में बहुत ही फनी इंसिडेंट्स है जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। नंबर 5 पर है द नाइस गाइस। तो दोस्तों मूवी सेट है 1977 में। यह एक सिंगल फादर और एक लाइसेंस पुलिस इन्वेस्टिगेटर हॉलैंड मार्च को हायर किया जाता है एक फेमस पोर्न स्टार मिस्टी माउंटेन के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन करते हुए मार्च की इन्वेस्टिगेशन उसको एक लड़की तक पहुंचाती है जिसका नाम है अमेलिया। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे बंदे से जो कि पीआई तो है बट नहीं लाइसेंस है और नहीं एक्सपीरियंस, जिसका नाम होता है जैक्सन हीली। वो मारपीट में काफी आगे है लेकिन सिचुएशन और वर्स हो जाती है जब अमेलिया भी गायब हो जाती है। अब मजबूरी में दोनों को टीम अप करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इन सबके बीच आपको देखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल इन सबके गायब होने के पीछे कोई माफिया का हाथ है, इंडस्ट्री के गुंडे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी। तो दोस्तों मूवीज की लिस्ट आपके पास है, सारी मूवीज ऐसी हैं कि आपको जबरदस्त कॉमेडी और फन एक्सपीरियंस देंगी। तो मूवीज देखकर अपना ओपिनियन और अगर किसी स्पेसिफिक जॉनर की रिकमेंडेशन आप चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए वो जरूर लेकर आऊंगा।